हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। और देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। इससे की पहले की वीडियो हम इससे की पहले की एक्सरसाइज और इससे की पहले के क्वेश्चनों को कंप्लीट करा चुके हैं। उन वीडियो को भी वॉच कीजिएगा और देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि राइट द जनरल टर्म इन द एक्सप्रेशन ऑफ, कहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस की बाई की पावर 6। ये क्वेश्चन है। अब जनरल टर्म फॉर्मूला होता है जनरल टर्म फॉर्मूला, होता है कि टी आर प्लस के वन इज इक्वल टू एन सी आर और एन एक्स और एन माइनस के आर और वाई की पावर आर। ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए इसमें क्या करना होगा। अब देखिए एन और आर ये जो वैल्यू लिखी हुई है उसको वैल्यू की पुट करनी है। एक्स की वैल्यू हो गई हमारी ये और वाई की वैल्यू हो गई ये और एन की वैल्यू हो गई 6। अब ये चीज़ मैं इसमें पुट कर देता हूँ, उसके बाद जो आंसर निकलेगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। एन की पावर कितनी है? 6 CR। और यहाँ एक्स स्क्वेयर और यहाँ 6 - R और वाई तो वाई है, माइनस की वाई है तो माइनस की वाई की पावर आर। ओके, इतनी चीज़ समझ में आई। मैंने एक्स की जगह एक्स 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 की वैल्यू रख दी, वाई की जगह वाई की वैल्यू रख दी और एन की जगह 6 की वैल्यू रख दी। इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए अब देखिए, इम्प्लाई दैट का साइन लगाएंगे और कह देंगे 6 CR और एन। अब एन की पावर देखिए कितनी है। अब इसका स्क्वायर करेंगे एन की पावर का तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे देखिएगा। तो देखिए अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इस आर का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? अब इसका 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें तो आ जाएगा 12 और माइनस के 2R इंटू, अब इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस के 1 की पावर आर इंटू बाई की पावर आर। ओके, तो ये माइनस साइन माइनस के 1 की पावर आर ये इधर आ जाएगा इंटू इंटू लगा दिए 6 CR और एन 12 माइनस के 2R और इंटू बाई आर। इस तरह से भी लिख सकते हो, माइनस के 1 की पावर आर 6 CR एन 12 माइनस के 2R और बाई आर। यही आपका हो गया आंसर। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है। क्वेश्चन में लिखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस की बाई एक्स की पावर 12, एक्स इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू है वो 0 नहीं है। ठीक है, तो वही जनरल टर्म फॉर्मूला यूज करना है मेरे को, जनरल टर्म फॉर्मूला। तो क्या था? टी आर प्लस के 1 इज इक्वल टू एन सी आर इंटू एक्स की पावर एन माइनस के आर और वाई की पावर आर। ये फॉर्मूला है। तुम्हारी एक्स की वैल्यू तो ये हो गई, ठीक है, और वाई की वैल्यू ये हो गई और एन की वैल्यू ये हो गई। तो ये वैल्यू हो गई, एक्स की वैल्यू एक्स की जगह पे पुट कर देंगे, वाई की वैल्यू वाई की जगह पे पुट कर देंगे और एन की जगह एन की वैल्यू एन की जगह पुट कर देंगे। तो एन की वैल्यू कितनी है? 12 CR इंटू एक्स की वैल्यू कितनी? एक्स और एन की वैल्यू है 12 भाई एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। एक्स की वैल्यू देखिए 12 CR और एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और है 12 - R। ओके, 12 - R एन की वैल्यू है माइनस के आर और बाई की वैल्यू कितनी है भाई? बाई की वैल्यू माइनस के बाई एक्स की पावर आर। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं, अब देखते हैं क्या आएगा आंसर हमारा। तो 12 CR, अब एक्स इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे पूरे में तो 24 माइनस के 2R और माइनस के इसे खोल लेते हैं तो माइनस का 1 की पावर आर इंटू और बाई की पावर आर और इंटू एक्स की पावर आर। ये चीज हो जाएगी, बस यही हो गया हमारा आंसर। अब ये माइनस का साइन है इसे आगे ले आएंगे। ओके, जो माइनस का साइन है उसे आगे ले आएंगे। ओके, तो देखें किस तरह से किस प्रकार से आएगा। तो देखिए, तो माइनस का साइन आगे आ गया
ओके, तो 12 CR और x 24 माइनस के 2R। अब देखिए ये भी x की वैल्यू है, तो x की पावर क्या प्लस हो जाती है ना, तो यहाँ भी प्लस के साइन ये आ जाएगा, तो ये चीज घट गई, तो इंटू बाई आर रह गया यहाँ। ओके, क्या रह गया, बाई आर रह गया, और ये माइनस का साइन है, तो यहाँ 1 की पावर R कर लो आप, इससे पहले भी क्वेश्चन में किया है ना, उसी प्रकार से कर लो, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो माइनस की 1 की पावर R और 12 CR एक्स की पावर, अब देखिए ये 2R प्लस के R, तो माइनस के कितना बचेंगे, 24 माइनस के R इंटू बाई आर। अब आंसर जो आ रहा है आपका किस प्रकार से लिखा हुआ है वो आपका आंसर देखिए, 12 CR और एक्स की पावर 24 माइनस के R इंटू इंटू ये लगाया हुआ है, और माइनस की 1 की पावर R। ओके, और बाई की पावर भी R, तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार से दोनों क्वेश्चनों का आंसर मैंने निकाल के रख दिया आपके सामने। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।